एवरीवन, वेलकम बैक टू लास्यम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेज़न के दो रेडीमेड ब्लाउज का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो ये जो ब्लाउजेस है, इसको ब्रा कम ब्लाउज भी आप कह सकते हो, लाइक ब्रालेट ब्रा, और इसको आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो। और यंगस्टर के बीच में ये ज्यादा पसंद किया जा रहा है और लेडीज भी काफी पसंद कर रहे हैं इस टाइप के ब्लाउज कम ब्रा को पहनने के लिए। सो इसको आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो या क्रॉप टॉप बना के भी पहन सकते हो। और देर ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अमेज़न से मैंने दो ब्लैक कलर के ब्लाउजेस पिक किए थे, क्योंकि ब्लैक कलर के जो ब्लाउज है वो ज्यादातर साड़ियों के साथ चल जाते हैं इस वजह से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट जो ब्लाउज है वो है फैबमी ब्रांड का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ब्रा कम ब्लाउज है और ये जो ब्लाउज है ये पैडेड भी है। ब्लाउज जो है कुछ इस तरह का है एंड इसके अपर साइड में इस तरह के लेसअप डिटेल मिल रहा है। इसका जो स्लीव है वो भी लेस फैब्रिक में है, आप यहाँ देख सकते हो क्लोजली, कुछ इस तरह का लेस डिटेलिंग है ये। एंड नीचे के साइड में यहाँ पे पैड भी मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ब्रा कम ब्लाउज है, इसके अंदर आप ब्रा ना भी पहनो तब भी चल सकता है। तो सामने की तरफ जो पैटर्न है कुछ इस तरह का है, आप यहाँ देख सकते हो। और ये जो है बोट नेक में है, इसका नेक पैटर्न जो है बोट नेक है गाइस। इसमें सिर्फ प्री साइज अवेलेबल है और कोई भी साइज इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये जो है प्री साइज है, चाहे आप 32 साइज के हो या 36 साइज के, आपको यही मिलेगा। आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, ये जो ब्लाउज है काफी शॉर्ट है गाइस। अगर आपका स्मॉल बॉस्ट है तो ये आपको फिट आ जाएगा, अगर आपके हेवी बॉस्ट है तो ये आपको बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा। और इसका जो साइज है आप यहाँ देख सकते हो, काफी छोटा है। इसका लेंथ बहुत छोटा है, इसका लेंथ इतना सा है बस। और इतने छोटे ब्लाउज लेडीज तो बहुत ही कम पहनते हैं, गर्ल्स पहन लेंगे। टॉप की तरह इसको आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये बिल्कुल वेस्ट है। यहाँ पे एक इलास्टिक पैटर्न दिया है, आप यहाँ देख सकते हो इलास्टिक पैटर्न जो मटेरियल मिल रहा है, स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए ये सारे साइजेस को फिट आ जाता है। लेकिन इसका जो लेंथ है वो थोड़ा और होता तो और अच्छा होता मेरे हिसाब से। इसका भी क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, स्टिच तो अच्छे हुए हैं। हो सकता है ये आप जब साड़ी को पिनअप करोगे तो कहीं ना कहीं से ये लेस खराब हो सकता है, इस तरह का लग रहा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये मटेरियल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और पहनने पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल लग रहा है। अगर इसका जो लेंथ वो थोड़ा और होता तो बहुत ही अच्छा होता, फिट होता सबके लिए। सो अगर आप टीनेजर हो तो आप इसको परचेज कर सकते हो और किसी के भी साथ इसको स्टाइल अप कर सकते हो। अगर आपका स्मॉल बस्ट है तो आप इसको वेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसको बिल्कुल ना परचेज करिएगा। सो ये था मेरा फर्स्ट ब्लाउज। एंड जो सेकेंड ब्लाउज मैंने वहाँ से पिक किया है वो भी आपने देखा ही होगा अमेज़न पे, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग ब्लाउजेस है ये, तो ये शो हो ही जाते हैं सबको। ये लेसअप पैटर्न में है, आप इसको ब्रालेट कह सकते हो गाइस। ये देख सकते हो आप, काफी ज्यादा प्यारा है। तो इसका जो लुक है काफी ज्यादा प्यारा है गाइस, आप यहाँ देख सकते हो ब्लैक कलर का ये पूरा लेस पैटर्न में मिल रहा है। और बैक जो है इसका सी थ्रू है, इसमें कोई भी फैब्रिक लाइनिंग अटैच नहीं है, बस फ्रंट में पैड मिल रहे हैं। ये दोनों यहाँ पे पैड है और यहाँ लाइनिंग भी है। पूरी ब्लाउज है ये इस तरह का लेस पैटर्न में है, और इसका लेस भी आपको दिखा दूं, काफी अच्छा है, काफी अच्छे क्वालिटी का लेस है और काफी सॉफ्ट लेस भी है। इसका जो लेंथ है ये थोड़ा सा ज्यादा है पहले वाले से, आप यहाँ देख सकते हो पहले वाले से ही इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। और इसमें भी फ्री साइज ही मिलता है गाइस, इसमें कोई साइज अवेलेबल नहीं है, बस फ्री साइज है। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल भी है और थोड़ा लेंथ पे भी है और हो सकता है आपको फिट आ जाए। अगर आपके हैवी बस्ट हो तभी भी आपको हो सकता है फिट आ जाए, क्योंकि ये इसको आप ब्रा की तरह भी पहन सकते हो और ब्लाउज की तरह भी पहन सकते हो। ये आप देख सकते हो काफी प्यारा लगता है। हाँ, और एक बात, ये स्लीव लेस है और इसका जो ये वाला कट है ये थोड़ा डीप है। सो अगर आप कंफर्टेबल हो इस तरह का ब्लाउज पहनने के लिए तभी इसको लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से इसका कट जो है डीप है। सो कमर की तरफ, वेस्ट लाइन की तरफ कुछ इस तरह का पैटर्न है लेस का, एंड यहाँ पे कोई भी लाइनिंग भी अटैच नहीं है, ये सी थ्रू है।
और सिर्फ लाइनिंग हमको फ्रंट सेक्शन में मिल रहा है जहाँ प्यार्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और इसका जो ब्रांड का नेम कुछ अजीब सा है क्योंकि ये चाइनीज मुझे लग रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। आपको मैं दिखा दूँ इसका ब्रांड का नेम कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये चाइनीज मटेरियल है। बैक में यहाँ पे जो स्टिच है वहाँ पे भी कुछ अलग तरह का ये लेस लगा हुआ है इस तरह का, आप यहाँ देख सकते हो अगर आपको दिख पा रहा होगा तो, कुछ इस तरह का लेस पैटर्न है यहाँ है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा है गाइस इसका नेक पैटर्न, और इसको भी आप क्रॉप टॉप बना के पहन सकते हो अगर आप टीनेजर हो तो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओवरऑल मुझे ये वाली जो ब्रा का ब्लाउज है काफ़ी पसंद आई, तो आप ब्रा की तरह भी पहन सकते हो और ब्लाउज की तरह भी पहन सकते हो, आपके ऊपर है आप किस तरह पहनना चाहते हो। और इसका जो प्राइस है वो 300 है एंड फर्स्ट वन का जो प्राइस है वो 450 है। एंड इसका फैब्रिक ये वाली अच्छा है बट इसका जो लेंथ है वो कम है, इस वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये सेकेंड वन जो है उसका प्राइस है 300-299, सो इस हिसाब से इसका क्वालिटी भी बेटर लगा मुझे और प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही भी है। मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी स्टाइलिश लगा मुझे सेकेंड वन। फर्स्ट वन भी स्टाइलिश है, बस उसमें लेंथ की प्रॉब्लम है, बहुत शॉर्ट है उसका लेंथ, अदरवाइज वो भी ठीक है लेकिन प्राइस ही है। सो ये था ये दोनों जो अमेजन के ब्लाउजेस है उसका रिव्यू। अगर आपको मेरी रिव्यू और वीडियो हेल्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, और आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।